हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SRS मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं कि जियो सिम का PUK कोड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला तरीका होता है कि आप कस्टमर केयर के पास फ़ोन करके निकाल लें, यानी मांग लें। और कस्टमर केयर के पास फ़ोन करने से पहले जिसके फ़ोन में PUK कोड लगा है, वो सिम जिसके नाम पे है, उनका आधार कार्ड लेकर के कस्टमर केयर के पास फ़ोन करें। कस्टमर केयर का नंबर है 199, दूसरा कस्टमर केयर का नंबर है 198, तीसरा कस्टमर केयर का नंबर है 1991। इस पर आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, वो उस नंबर का PUK कोड पूछने से पहले थोड़ा सा वेरिफिकेशन करेगा, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, नाम पूछेगा, वो सिम किसके नाम पे है वो पूछेगा, वो उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ आपको क्या बोलते हैं आपको PUK कोड प्रोवाइड कर देगा। वो दूसरा तरीका होता है माई जियो ऐप के द्वारा आप देख लें। अगर आप माई जियो ऐप में लॉगिन है तो बहुत इजी तरीके से आप PUK कोड निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ कैसे निकालना है आपको। पहले चलें अपने माई जियो ऐप में। माई जियो ऐप को ओपन करने के बाद साइड में कॉर्नर में आपको ऑप्शन देना होगा। आपको यहाँ पे सबसे नीचे आएं सेटिंग में, यानी माई जियो ऐप के सेटिंग में आएं आप, यानी कि यहाँ पे। उसके बाद सेटिंग को ओपन करें, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने पे आपको दिखाई देगा PUK कोड। ये सेल्फ PUK कोड है, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको PUK कोड शो कर देगा। ये यहाँ पे आपका PUK कोड शो कर दिया है। अब ये जहाँ PUK कोड मांग रहा है आपको, वहाँ पे अपना ये PUK कोड डालें, और डालते ही आपको एंटर करते ही आपको एक न्यू पिन मांगेगा, जो कि आपको 1234 डालना है। और उसके बाद फिर न्यू पिन मांगेगा। न्यू पिन में आपको फिर से वही पिन डालना है, 1234 डालने के बाद एंटर कर दें। उसके बाद सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी कोड में जा करके उसको ऑफ कर दें, अन्यथा दोबारा आप जब स्विच ऑफ करके फ़ोन ऑन करेंगे तो फिर PUK कोड वो मांगने लगेगा। इस बात का ध्यान दें आप।